यूपी में लेडी डॉन का आतंक, इन तीन सबसे खतरनाक महिलाओं ने उड़ाई पुलिस की नींद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। आज बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपने अक्सर देखा होगा कि माफिया और गैंगस्टर उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बनते हैं। मगर इस बीच जो ये खबर सामने आई है, ये खबर चौंका देने वाली है। नहीं कोई माफिया, ना ही कोई गैंगस्टर, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नींद उड़ाई है यहाँ की लेडी डॉन्स ने। जी हाँ, लेडी डॉन्स ने, तीन ऐसी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश और सरकार की नींद उड़ाकर रखी है, जिनका धाक अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं और गैंगस्टर्स से कम नहीं है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश माफियाओं और गैंगस्टर्स का हमेशा से ही ठिकाना रहा है। सालों तक यहां माफिया फलते फूलते रहे, यहां तक कि क्राइम के जरिए राजनीति की सफेद चोला तक ओढ़ लिया। लेकिन आज हम यहां जो बात करेंगे वो ऐसी महिलाओं के बारे में करेंगे जो इन डॉन्स से कम नहीं है। माफियाओं के अंदाज में ही वो अपने साथ गुर्गे लेकर चलती हैं, डॉन की तरह उनका गैंग में दबदबा होता है, हाथ में पिस्टल और नाम के साथ क्राइम की लंबी फहरिस्त। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन है ये उत्तर प्रदेश की वो तीन लेडी क्रिमिनल्स जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक में दम कर दिया है। लेडी डॉन नंबर एक, साइस्ता परवीन। इस नाम से अब हर कोई वाकिफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन रह चुके अतीक अहमद की पत्नी है साइस्ता परवीन। साइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। वकील उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी हैं डॉन अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता, और 4 महीने से पुलिस से बचते भी फिर रही है। साइस्ता परवीन हमेशा अपने साथ एक शूटर लेकर चलती है। पुलिस ने साइस्ता को उत्तर प्रदेश की माफिया लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल कर दिया है। अतीक अहमद की मौत के बाद साइस्ता अतीक के गैंग का सरगना बन गई है, उसके काले कारनामे और उसकी अवैध संपत्ति की मालकिन बन चुकी है। अगर जल्द ही साइस्ता पुलिस की गिरफ्त में नहीं आती तो उस पर इनाम की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। खैर, ये तो लेडी डॉन नंबर एक साइस्ता परवीन के बारे में था। अब चलिए आपको दिखाते हैं लेडी डॉन नंबर टू कौन है। लेडी डॉन नंबर टू है अफसा अंसारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की दूसरी मोस्ट वांटेड महिला अपराधी हैं अफसा अंसारी। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी भी ठीक अतीक अहमद की पत्नी की तरह फरार चल रही हैं। अफसा पर 2 अलग-अलग मामलों में 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। यहां तक कि अफसा पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि अफसा विदेश फरार हो सकती हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी, उसका बड़ा बेटा, लंबे समय से जेल के सलाखों के पीछे है और ऐसे में अफसा ही गैंग का पूरा काम संभाल रही थी। ईडी की जांच में सामने आया था कि अफसा ने पैसों को लेकर बड़ा हेर फेर किया था, जबरन अरबों रुपए की जमीन को अपने नाम करवा लिया था। इस केस के बाद से ही अफसा फरार चल रही है। ये महिला डॉन भी अपने साथ शुरू से ही लाइसेंसी पिस्टल रखती है। मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके गुर्गे अफसा की कमांड पर ही काम करते हैं। अब लेडी डॉन नंबर तीन, लेडी डॉन नंबर तीन है दीप्ति बहल। जी हाँ, साहिस्ता परवीन और अफसा अंसारी के अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिमिनल है दीप्ति बहल। 5 लाख की इनामी बदमाश दीप्ति बहल ने 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। 4 साल से वो फरार भी चल रही है। दीप्ति पहले एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, लेकिन बाद में उसने अपने पति संजय बहल के साथ मिलकर काला कारोबार शुरू किया, रियल एस्टेट के नाम पर कंपनी बनाई, उसके बाइक बोट वेंचर शुरू किया और फिर इसी के जरिए 4500 करोड़ रुपए की ठगी की। दीप्ति पर करीब 4 साल पहले एक केस दर्ज हुआ तो ये खतरनाक महिला फरार हो गई। इतने सालों के बावजूद पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। इस महिला पर पूरे देश में 250 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और मोस्ट वांटेड है। मगर इन सब के बावजूद पुलिस को नहीं पता चल पाया कि आखिर ये है कहां और ये सभी महिलाएं इस वक्त क्या कर रही हैं। ऐसे में हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के नाक में दम करने वाली उन तीन महिलाओं का पूरा वाक्या, उन महिलाओं के बारे में पूरा मामला भी हमने आपके सामने रखा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।